हाय फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि वैदिक स्विचवर्ड्स को कैसे यूज़ करना है और वैदिक स्विचवर्ड्स को यूज़ करने के वो कौन से नियम हैं जिन्हें हमें फॉलो करना ज़रूरी है। वैदिक स्विचवर्ड्स बहुत सीक्रेट माने जाते हैं, तो इसे आपको वेस्टलाइन के नीचे नहीं लिखना है, अपने प्राइवेट पार्ट्स पे भी नहीं लिखना है। आप इन्हें लेफ्ट साइड के ऊपरी बॉडी पार्ट में कहीं भी लिख सकते हैं। वैदिक स्विचवर्ड्स को यूज़ करने से पहले इन्हें इंस्टॉल करना होता है। लेडीज़ को वैदिक स्विचवर्ड्स को अपने मंथली पीरियड्स में नहीं यूज़ करना है। चैंट कर सकते हैं, पर ना ही इन्हें अपने बॉडी पार्ट पे लिखना है और ना ही इन्हें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करना है? आपको एक बार वैदिक स्विचवर्ड्स को लिखना है और 3 बार चैंट करना है। ऐसे आपको 108 बार लिखना है। तो ये वैदिक स्विचवर्ड्स अब इंस्टॉल हो गए हैं। इसी तरह किसी भी वैदिक स्विचवर्ड्स को यूज़ करने से पहले आपको इसे इंस्टॉल करना ज़रूरी है। आप वैदिक स्विचवर्ड्स को दूसरों को भी दे सकते हैं, उनके ज़रूरत उनके रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। रूल यही रहेगा कि पहले आप जो वैदिक स्विचवर्ड्स दे रहे हैं आपको इन्हें इंस्टॉल कर लेना है। एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिसे दे रहे हैं उन्हें भी इसे इंस्टॉल करना है। परंतु मेरा मानना है कि अगर वो भी यूज़ करने से पहले इंस्टॉल कर लेंगे तो रिजल्ट्स और भी बेटर होंगे। इंस्टॉलेशन का मतलब है कि जो स्विचवर्ड्स आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपके एनर्जी से आपसे कनेक्टेड हो गए हैं, तो बेटर कनेक्टिविटी के लिए इंस्टॉल करना अच्छा है। अब बात करते हैं वैदिक स्विचवर्ड्स को हमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। वैदिक स्विचवर्ड्स को हम इंग्लिश स्विचवर्ड्स की तरह ही यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़े से डिफरेंट वेज हैं। पहला मेथड, आप एक एनर्जी सर्कल बनाकर अपने चॉइस अपने इशू रिलेटेड वैदिक स्विचवर्ड्स एनर्जी सर्कल में लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप वैदिक स्विचवर्ड्स के बारे में जानेंगे तो देखेंगे कि एक इशू से रिलेटेड कई डिफरेंट वैदिक स्विचवर्ड्स हैं, तो आप एक से भी ज़्यादा वैदिक स्विचवर्ड सेम इशू रिलेटेड इस एनर्जी सर्कल में लिख सकते हैं। आप इस एनर्जी सर्कल से अपना वाटर चार्ज कर सकते हैं। आप वैदिक स्विचवर्ड्स को अपने ग्लास बॉटल पर लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस तरीके से आपका वाटर चार्ज हो जाएगा वैदिक स्विचवर्ड से। आप एक छोटी सी स्लिप पे वैदिक स्विचवर्ड लिख कर अपने पास भी रख सकते हैं। ये कुछ बेसिक ट्राइड एंड टेस्टेड वेज हैं वैदिक स्विचवर्ड्स को यूज़ करने के। जब हम ब्यूटी रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, वेट रिलेटेड वैदिक स्विचवर्ड्स के बारे में जानेंगे तो मैं आपको और भी डिफरेंट वेज बताऊंगी वैदिक स्विचवर्ड्स को यूज़ करने के। सबसे बेस्ट तरीका होता है चैंटिंग। तो जब भी आप वैदिक स्विचवर्ड यूज़ करें, इसे पूरे विश्वास श्रद्धा से और ट्रू इंटेंशन से यूज़ करें। जैसे आज तक ये वैदिक स्विचवर्ड्स को ट्रेजर्ड करके रखा गया है, आप भी इन्हें इसी प्योरिटी और ट्रेजर्ड तरीके से यूज़ करें और इसे पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव करें। थैंक यू।